दोस्तों एक ऐसा प्लेन जो 35 साल के बाद आसमान से धरती पर लैंड हुई और जब उस प्लेन को खोला गया तो उसमें मौजूद चीजों को देख के सबके होश उड़ गए। दोस्तों ये बात 4 सितंबर 1954 की है जब सैंटियागो एयरलाइन की एक फ्लाइट 92 पैसेंजर को लेके जर्मनी से ब्राजील के लिए रवाना हुई। ये यात्रा तकरीबन 18 घंटों की थी, लेकिन उड़ने के कुछ ही देर बाद प्लेन का कनेक्शन कंट्रोल रूम से टूट गया और 92 पैसेंजर से भरा प्लेन कहीं आसमान में गायब हो गया और बाद में सैंटियागो एयरलाइन को भी बंद कर दिया गया। लेकिन उसके 35 साल बाद 1989 को रडार में एक प्लेन को देखा गया और उस प्लेन ने जमीन पर लैंड किया तो उसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये सैंटियागो एयरलाइन की वही प्लेन थी जो 35 साल पहले गायब हो गई थी। और जब प्लेन के गेट को खोलकर देखा गया तो उसमें सब पैसेंजर के कंकाल थे जो अपनी शील्ड बैंड बांधे हुए थे, यहाँ तक कि कैप्टन के भी सिर्फ कंकाल ही थे और ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है।